भगवान ने कहा कि चिंता न करो, आप भी जाकर के अयोध्या में ऋषियों और मुनियों के रूप में अवतार लो, मैं भी अवतार लेने वाला हूँ। सभी को ढाढ़स बधाया। राजा दशरथ जो थे दुखी हो जाते हैं कि उनके तन पर बुढ़ापा आ गया। शीशा यानी दर्पण जो था हाथ में लिया, श्वेत बालों को देखा कि एक बार भू पते मन माही समक्ष राजवीर सिंह हार पहना करके स्वागत किया है। और एक नाम हम भूल गए थे, अभी छोटा सा बेटा हार पहना करके गया था, वो भैया दिखाई नहीं दे रहे मुझे, क्या नाम बताया, आरस, आरस नाम छोटे सा भाई बेटा था। परम पिता परमात्मा उसको भी सद्बुद्धि प्रदान करता रहे। हार पहनाया है उसने, मुझे हार पहनाया, लेकिन जीवन में उसको परम पिता परमात्मा हमेशा जीत दिलाता रहे, यही मेरी तरफ से आशीर्वाद है। कहने लगे हैं राजा दशरथ जो थे कि ऐसा तरो बरो तरो बड़ी ही पर उनको पलने न हो वह जलधर भी क्या जलधर है जो जल से संपन्न न हो। चिंता आ चुकी है, ऐसी चिंता है तीन तीन रानियां होने के बाद भी मेरे आंगन में कोई पुत्र नहीं आया है। है चिंता बड़ी चिंता से मेरी कोनी की वो बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीती को खाती है।
और देखो चिता जलाती है चिंता की देखो गाती है वशिष्ठ ने कहा कि तू चिंता न कर, तेरा जो विपरीत समय था वो निकल चुका है, अब वो समय आने वाला है कि तेरे आंगन में चार चार पुत्रों का धरो धीरे हुए ये सुत चारी धरो धीरे हुए ये सुत चारी त्रिभुवन बेते